तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। इस बार वीडियो ट्रैक्टर से रिलेटेड नहीं बल्कि गेहूं से रिलेटेड है, क्योंकि इन दिनों गेहूं में पीलेपन की समस्या काफ़ी आ रही है और इस टाइप से कई लोग जिंक की स्प्रे कर रहे हैं, 19-19 की कर रहे हैं, अलग टाइप से कुछ मैग्नीशियम कर रहे हैं, कोई DAP की फोलियर स्प्रे कर रहा है। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो मैंने खुद भी यूज़ किया है। तो ये है यारा वीटा का बड बिल्डर। मेनली ये मैग्नीशियम है, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड किए हुए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 10% जिंक है, 24% मैग्नीशियम, pH 8.5 और फॉस्फोरस भी 2.5% है इसमें। तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आज ही इसकी स्प्रे की है, जैसे ही इसके 4-5 दिन में रिज़ल्ट दिखते हैं तो मैं आपको उसकी वीडियो और दिखाऊंगा। इसके रिज़ल्ट मैं बैटरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपने किन्नू के बाग में इसको यूज़ करके देखे। बहुत सी मैंने मैग्नीशियम की स्प्रे करी लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं निकला, लेकिन बड बिल्डर जब मैंने किया तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट किन्नू के बाग में निकल गया है। तो अब मैंने इसको गेहूँ पर ट्राई किया है, तो गेहूँ पर भी इसका रिज़ल्ट मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा। कोई ज़्यादा ये महंगा नहीं है और डोज भी इसकी ठीक ठाक है, 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर की इसकी डोज है। और अगर इसकी डोज देखें और जितना एरिया कवर करता है तो ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। वो सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में जब इसका रिज़ल्ट गेहूं पे दिखेगा तब मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आज एक ये अलग से वीडियो बनाई है क्योंकि मोस्टली मैं ट्रैक्टर पे या उसके इम्प्लीमेंट वगैरह हैं उन पर वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस तरह की आपको और वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।